हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों आज जो मेरी वीडियो होने वाली है एक टॉपिक के ऊपर है कि मतलब आप लोग के मन के अंदर कई सारे डाउट्स होते हैं, कई सारे सवाल होते हैं, तो इसलिए उन सही सवालों को देख करके मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया है कि क्या आप लोग को इस रेलवे की जो प्राइवेट जॉब है इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज पूरे वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि कई लोग के अंदर मन के अंदर डाउट होता है, कई लोग इस चीज को कंफर्टेबल या नहीं फील कर पाते। मैंने कई लोगों को देखा है जो आते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और एक से दो महीने काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। इस चीज के मैं आपको प्रॉपर रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और क्यों आपको ये जॉब करना चाहिए और क्यों आपको ये जॉब नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक इसलिए चुना है कि क्या ये आपको रेलवे की जो प्राइवेट जॉब है, जो इसमें कोच अटेंडेंट की जॉब है, रेलवे सुपरवाइजर की जॉब है और साफ सफाई वालों की जॉब है और जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनकी भी जॉब है, इसमें क्या है कि दोस्तों क्राइटेरिया के हिसाब से आपको जॉब बटा गया है। जिन्होंने 10th और 12th किया है उनके लिए दो पोस्ट डिसाइड होती है, या तो OBHS का स्टाफ या तो ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग, उसके बाद दूसरा पोस्ट है कोच अटेंडेंट का, ठीक। उसके बाद यदि आपने इसी के साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपको सुपरवाइजर का पोस्ट प्रोवाइड होता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं भी एक ट्रेन का सुपरवाइजर हूँ। तो जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उनको सुपरवाइजर का पोस्ट मिलता है। उसके बाद जो IT जिन्होंने 10th 12th के साथ ITI किया हुआ है वो भी इलेक्ट्रीशियन थे, तो उनको क्या होता है कि इलेक्ट्रीशियन का प्रोवाइड होता है कि मतलब जो पावर कार का डब्बा होता है, आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर आगे और पीछे एक पावर कार का डब्बा लगा होता है, उन्हीं के अंदर उनका वो उनका काम होता है। जिन्होंने जिस चीज़ की नॉलेज उनको है, क्योंकि ITI करने के इलेक्ट्रीशियन से किए तो उनको काफ़ी चीज़ें नॉलेज होती है, तो वो उस लाइन के अंदर चले जाते हैं। बात यह है कि आपको ये जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी। आपको पता है कि इस लाइन के अंदर इतनी भी ज्यादा सैलरी नहीं है, गवर्नमेंट की जितनी सैलरी होती है उनसे कहीं कम हम लोग को सैलरी प्रोवाइड की जाती है, तो कई लोग के मन के अंदर होता है कि इस जॉब करें कि नहीं करें। दोस्तों मैं भी स्टार्टिंग में आया था, तो स्टार्टिंग में मेरे को इस जॉब के अंदर 4 साल हो गए और अभी मैंने कुछ टाइम के बाद ये मैंने यूट्यूब पर काम स्टार्ट किया, अभी 1 साल के लगभग हुआ है मेरे को यूट्यूब पर काम करते हुए। तो जब मैं नया नया आया था तो फिर भी मैं ये सोचता था कि यार मैं किस लाइन के अंदर आ गया नया नया, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रेलवे डेली ट्रैवल करना इट नॉट इजी। मैं तो कहूंगा कि रेलवे के जितने भी स्टाफ है ना, कई लोग कहते हैं कि भाई प्राइवेट का जॉब इतना लोडेड है, इतना वो नहीं। रेलवे के जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो ट्रैकमैन से लेकर के ले लो, चाहे वो रेलवे स्टेशन मास्टर से ले लो, चाहे वो TT तक को ले लो, जिन लोगों का भी काम है दोस्तों, रेलवे का काम ही हार्ड है, चाहे प्राइवेट के ले लो चाहे गवर्नमेंट के ले लो। ये आपके ऊपर है कि आप अपने जॉब को किस तरीके से मेंटेन करके चलते हो। जब मैं भी इस लाइन के अंदर नया नया आया था तो मुझे भी लगता था कि यार जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैं ट्रेन के अंदर जर्नी करता था तो ऐसा लगता था कि यार मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। डेली आना, डेली ट्रैवल करना, ऐसा है तो होता था कि जब मैं घर के अंदर रहता था तो यह है कि अपना शाम को आया उसका दोस्तों यारों के साथ में क्रिकेट खेलने लेकर निकल जाता था, घूमने फिरने के लिए निकल जाता था, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, साथ में कहीं बैठ रहा हूँ, तो उन चीज़ों को मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मिस कर रहा था। तो ऐसा हुआ कि धीरे 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 जब मैंने अपने आप को उसके कदर ढाला ना, तो जब मुझे इसमें क्या कि दोस्तों आपको बोरिंग स्टार्टिंग में जो आप जॉब करोगे इस लाइन के अंदर तो आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील होगा, जो कि मुझे भी हो रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ अलग टॉपिक नहीं था। तो ये है कि दोस्तों आप लोग यदि रेलवे लाइन में आ रहे हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये काम करना है कि नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे काम को करते हो, सीखते हो, समझते हो, इस ट्रेन के अंदर क्या होता है कि दोस्तों हम जितने भी स्टाफ लोग चलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के स्टाफ हो चाहे प्राइवेट के स्टाफ हो, तो हम सभी लोग क्या होता है, एक फैमिली की तरह चलते हैं। तो हम सभी लोगों का फर्क मतलब वो है तो होता है कि एक फैमिली की तरह चल रहे तो कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे का हम सपोर्ट करते हुए चले। बाकी ये है कि नए लोग जो आते हैं उनका मन इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि वो अपनी फैमिली वगैरह अपने डेली लाइफ को काफी ज्यादा मिस कर रहे होते हैं। आपको जो मन लगाने का तो एक ही तरीका है दोस्तों, क्योंकि आप नए आपको जो ट्रेन में आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको दो हजार नए लोग मिलते हैं, नए लोग, नया वातावरण। जब भी मैं ट्रेन के अंदर जर्नी करता हूँ तो कई ऐसे डॉक्टर मिलते हैं, कई इंजीनियर मिलते हैं, कई वकील मिलते हैं, टीचर मिलते हैं, उन लोग से मैं मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो वो मुझे माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। अब क्या है, मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता, जब भी मैं ऑन ड्यूटी जाता हूँ मुझे ट्रेन के अंदर ही अच्छा लगता है, लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको उनके लिए मुश्किल पड़ता है कि मैं अपने आप को कैसे माहौल के अंदर एडजस्ट करूँ। तो सबसे पहले आपको, तो जो लोग भी इस लाइन के अंदर आना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ट्रैवलिंग का शौक होना चाहिए। ये नहीं कि आपको एक ड्रीम है या घर वालों का प्रेशर है या अपनी इमेज बनाने के लिए कि हाँ भाई अब तो मैं भी रेलवे के अंदर जॉब करूँ, नहीं। उन्हीं लोग इस जॉब के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं जो सचमुच ही अपने रेलवे को फैन मानते हो या रेलवे से जुड़ी उनको अच्छा लगता हो रेलवे में काम करना।
जैसे मैं भी घर पे रहता था तो मुझे भी ट्रेन की चीजें बहुत अच्छी लगती थी कि ट्रेन को देखना, इंजन वगैरह का साउंड मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे 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 मैंने इस चीज को इंक्लूड किया। आप लोग मेरी कमेंट दोस्तों, यदि आप लोग मेरी वीडियो वगैरह देखते हैं तो आप लोग उस कमेंट को भी पढ़ते होंगे कि कमेंट के अंदर कई सी आप लोगों को कई सारे सवाल के जवाब तो आपको मेरे कमेंट के अंदर ही मिल जाते होंगे। कई लोग कहते हैं भाई ये रेलवे लाइन की जॉब बेकार है या इसको नहीं करना चाहिए, इसको बेकार है। एक टीचर ने मेरे को एक स्कूल के अंदर बहुत अच्छी बात कही थी कि आप पढ़ाई चाहे आप कुछ भी क्यों, कितनी भी आपने एजुकेशन ली हो, कहीं से भी आपने एजुकेशन ली हो, जो भी काम आप कर रहे हो ना उस काम के अंदर आप अपनी कितनी नॉलेज डाल रहे हो ये सबसे मैटर करता है। जब भी मैं अपने नई इस काम में आया था तो मैंने इस काम के अंदर बहुत कुछ चेंजिंग किया। इस काम के अंदर दोस्तों पहले ये होता था, आपने मेरी कई सारी वीडियो आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे ना तो एक वीएस मोनू भाई है, हमारे मोनू भाई, जिन्होंने मेरी इस काम को काफी आगे बढ़ाया था। क्या कि दोस्तों मैं अपने काम को काफी थोड़ा चेंज करता रहता हूँ, अपने नॉलेज को क्या है, मैंने पढ़ाई लिखाई कहीं से भी की हो, जो काम मैं कर रहा हूँ ना उस काम के अंदर मैं अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करता रहा नाम मिले। नया चीज देख रहे हैं, पहली बार किसी ट्रेन में इस तरह से पैसेंजर को बताया जा रहा है। सुपरवाइजर के नंबर, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो साफ सफाई से रिलेटेड तो आप कांटेक्ट करें। सुपरवाइजर का नंबर आपको वॉशरूम के पास लगा रहता है। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लगा मुझे, आप देखिए पहली बार मैं देख रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं ट्रेन जर्नी की, लेकिन पहली बार किसी ट्रेन में इस तरह का मतलब देखे हैं होते हुए। ये बहुत अच्छा चीज़ है, बताया जा रहा है कि साफ़ सफाई का आप लोग ध्यान रखें, कचरा को डस्टबिन में डालें, साफ़ सफाई से संबंधित कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर वॉशरूम के बाहर लगा हुआ रहता है, हर कोच के आगे में सुपरवाइजर से कांटेक्ट करें। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है और हम लोग का एक फर्ज बनता है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें। हम लोग बताइए हम लोग के लिए कितना कर रहे हैं, ठीक है। कोच में घूम घूम के रिकॉर्डेड ऑडियो चला रहे हैं, हम लोग भी साफ सफाई का अच्छे तरीके से ध्यान रखें और कचरा वगैरह ना डस्टबिन में ही डालें। कुछ भी प्रॉब्लम हो सुपरवाइजर का नंबर है, डायरेक्ट उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्वीट करने का कोई जरूरत नहीं भाई। इतनी सारी ट्रेन जर्नी की है लेकिन लाइफ में पहली बार हमने देखा किसी ट्रेन में कि ऑडियो रिकॉर्डेड मैसेज वो भी पैसेंजर को दिया जा रहा है स्टाफ के द्वारा। मैसेज में क्या दिया जा रहा है, यही कि साफ सफाई का ध्यान रखे, कचरा हो या बोतल हो पानी पीते हैं तो उसको अब डिस्ट्रॉय करके डस्टबिन में डालें, ना कि सीट के नीचे डालें। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है, देख के काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार देखें काफ़ी यूनिक लगा। वैसे हम लोग का भी फ़र्ज बनता है कि साफ सफाई का ध्यान रखें और जो भी कचरा वगैरह जो है ना वो खा के सीट के नीचे ना लुढ़काए, सीट पर ना छोड़े, डस्टबिन में डालें। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सुपरवाइज़र का नंबर आपको मिल जाएगा। कोच के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वॉशरूम के पास सुपरवाइज़र का नंबर रहता है, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करें कोई भी प्रॉब्लम हो तो। सबसे पहली बात तो पहले तो आप हम लोग को खुद रखना पड़ेगा साफ़ सफाई का ध्यान, उसके बाद ही ना कंप्लेन कीजिएगा। कुछ लोग खुद कचरा करते हैं उसके बाद कंप्लेन करते हैं, ये तो सही नहीं है। बताइए हम लोग के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, ऑडियो रिकॉर्डेड अब वॉइस क्लिप चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नीचे कप लुढ़का रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। लेकिन यार दिल खुश हो गया, सच बता रहे हैं, पहली बार ये सब चीज़ देख। देखिए अभी फ़िलहाल हम फीडबैक दे रहे हैं और देखिए इस ट्रेन में साफ़ सफाई देख रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ किन के वजह से हो पा रहा है मालूम है, इनके वजह से, क्योंकि ये ट्रेन के सुपरवाइज़र हैं, अवधेश जी नाम है। और ये जो नया कंसेप्ट जो आपने निकाला ऑडियो क्लिप का, पहली बार हमने ट्रेन में देखा, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? सर ये आइडिया तो सर ऐसा है कि जैसे पहले ट्रेन जो हमारे स्टेशन जो दिल्ली सराय रोहिल्ला वहाँ से काफ़ी सारी ट्रेनें चलती हैं, तो वहाँ से जो जो ट्रेन जाती है ना तो उस ट्रेन में कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा, तो ऐसा होता था कि जो भी कंप्लेन हम जो इनको कोच डिवाइड किए होते थे उस कोच में अगर कंप्लेन होता था ना तो हमारे जो स्टाफ है उनके सैलरी में से कुछ अमाउंट कट जाते थे, जैसे 250-500 रुपये कुछ कट जाते थे अमाउंट। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने इस चीज़ का पहले स्टार्ट किया। मैंने ये सोचा कि जैसे कुछ अगर लोगों को पहले से अवेयर कर दी जाए कि इस गाड़ी में स्टाफ है तो जैसी बात है अगर उनको पता होगा स्टाफ तो कंप्लेन नहीं करेंगे। तो इस चीज़ की जानकारी देने के लिए सर मैंने पहले तो मैंने जो पैम्पलेट्स होते हैं मैंने अपने जो हमारे सीनियर हैं उन सबको मैंने ये बताया कि सर एक पैम्पलेट आप छपाओ जिससे अगर हम कोच के रोड पे लगा देंगे क्योंकि रोड पे लोगों का आना जाना काफ़ी होता है, ठीक है, उस चीज़ को जो नोटिस करेंगे। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन तक तो मैंने जैसे स्टाफ को मैंने बोला कि आप बोलने की कोशिश करो लोगों के सामने कि हाँ सर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम हैं इस गाड़ी के अंदर, तो इस तरीके से बोलते भी थे। फिर धीरे धीरे मैंने फिर सोचा कि इन लोग अगर प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे तो मैं अपनी एक वॉइस क्रिएट करूँ और
और थोड़ा उसको एडिट करके और इस तरीके से अगर चलाऊंगा तो जो स्टाफ नहीं बोल पाता थोड़ा साई फील करता है बोलते टाइम, तो उस टाइम सर वो उसको उसको कोई दिक्कत ना हो, आराम से लोग भी उसको सुन सके कि क्या कहना चाह रहा है। तो जो भी स्टेशन आता है सर, स्टेशन में आने से पहले जैसे कोई न्यू पैसेंजर चलते हैं तो उनको अपडेट करने के लिए हम स्पीकर चलाते हैं बाइक। चलिए काफ़ी अच्छा लगा, और हम तो चाहेंगे कि अब धीरे धीरे जैसे ही सुपरवाइज़र हर ट्रेन में हो, और ये जो नया जो ये तरीका ढूंढे हैं पैसेंजरों को अपडेट करने का, तो हम चाहते हैं कि जितने भी सुपरवाइज़र हैं ट्रेन के वो भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। काफ़ी अच्छा लगा। वैसे चलिए फीडबैक देते हैं। वैसे इनसे मुलाकात हमसे एक बार पहले हुई थी इंदौर ट्रेन में, इंदौर इंटरसिटी में, और अभी फ़िलहाल ये इस ट्रेन में चल रहे हैं, और साफ़ सफाई देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसी तरह करते रहिए, और हम तो चाहेंगे कि सभी सुपरवाइज़र इसी तरह का काम करें। देश जी जैसे अगर सुपरवाइज़र हो गए ना हर ट्रेन में तो भाई सुधर जाएगा ट्रेन के, सुधर जाएगा। लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेन के अंदर कंप्लेन आ रही थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमारे जो स्टाफ हैं जो भी साफ सफाई के जो स्टाफ होते थे उनको 3 से 4 को दिए जाते थे, उस कोच के अंदर यदि कोई भी कंप्लेन होता था तो उस कंप्लेन से उस स्टाफ की सैलरी कट जाती थी। तो उस चीज़ को मैंने चेंज करने के लिए क्या किया कि जब मैं घर पे आया तो मैंने अपने लैपटॉप से एक पोस्टर बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा साफ सफाई से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो ये नंबर, और एसी से गर्म ठंडा करना हो तो ये नंबर, दो मैंने नंबर डाले, और उसको मैंने छोटे छोटे मैंने पर्ची निकलवाए और अपने जितने भी ट्रेन में गरीब ट्रेन में चलता था सभी ट्रेनों के मैंने लगवा दिए, सारे स्टिकर मैंने लगवा दिए। ठीक, उसके बाद मैंने अपने सभी स्टाफ को बोला कि भाई आपको कोच के अंदर घूमना है। ठीक, उसके बाद अपने जितने भी पैसेंजर है सबको ये कहना है कि सर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मैं अवेलेबल हूँ, यदि मैं नहीं मिला आपको तो आपको दरवाजे पे सुपरवाइजर का नंबर दिया गया, आप सुपरवाइजर को संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसा सर मेरे स्टाफ लोगों ने किया भी, उन्होंने कोशिश भी की और कई सारे स्टाफ लोगों ने किया भी, कई ऐसे स्टाफ थे जो इस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज़ को बदलने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक स्पीकर लाया, ठीक, अपनी वॉइस बनाई, उसमें मैंने यही बोला यात्रीगण कृपया ध्यान दें इस गाड़ी में साफ सफाई से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कृपया आप स्टाफ को सूचित करें, यदि कोई स्टाफ उपलब्ध नहीं है तो कृपया कोच के दरवाजों पर दिए गए सुपरवाइजर के नंबर पर आप सुपरवाइजर को संपर्क करें। तो ये चीजें मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर रिकॉर्डिंग चलाई ताकि मेरा जो स्टाफ उसको लेकर जो घूमेगा तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा स्पीकर चलाओ और उसको एक राउंड करना है कोच के अंदर। कई सारे स्टाफ ने इस चीज को किया, फॉलो किया दोस्तों, कहां इतनी ज्यादा कंप्लेन होती थी इस चीज को इंप्लीमेंट करने के बाद वो कंप्लेन कई ज्यादा कम हो गई। एक दिन क्या हुआ कि हम सभी स्टाफ लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी, तो उस टाइप पे क्या होता है कि हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जो हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट के भी होते हैं प्राइवेट के भी होते हैं, उन सबके साथ हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। तो उस दौरान कई सारे सुपरवाइजर थे, तो उस टाइम पर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपनी ट्रेन में किस तरीके से काम करवाते हो। तो उस टाइम पे मैंने बताया कि सर मैं अपनी ट्रेन में गया, पहले तो मैंने अपने बैग से अंदर एक बॉक्स निकाला ब्लूटूथ बॉक्स, उसको मैं गया सबके सामने मैंने उस बॉक्स को प्ले कर दिया, तो बोला कि ये क्या है, बोला कि सर इसको सुनिए। तो उन्होंने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी ना तो वो दंग रह गए उस चीज को देख करके कि अरे वाह इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो क्या बात, मतलब उनको लगा कि ये लड़का बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं इन्होंने, उनको लगा कि जब हम पैसेंजर को पहले से ही बता देंगे कि गाड़ी के अंदर स्टाफ मौजूद है कोई भी कंप्लेन हो तो आप स्टाफ को संपर्क करें, और उनको हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं, तो इस चीज से क्या है कि स्टाफ को मतलब जो जितने भी यात्री हैं उनको पता चल जाएगा गाड़ी के अंदर स्टाफ है तो वो कंप्लेन नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे सीनियर थे उनको ये मेरा आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने जितने भी सुपरवाइजर हैं सबको बोला कि सभी स्टाफ जितने भी सुपरवाइजर हैं सबको स्पीकर दिया जाए और सभी गाड़ियों के अंदर ये चीजें चलाई जाए ताकि कंप्लेन को कंट्रोल किया जाए। और दोस्तों मानो या ना मानो जब से ये चीजें अप्लाई हुई है ना तब से कंप्लेन बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब तो क्या है कि आप यदि मेरी वीडियो पे आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा मैं हर एक वीडियो के अंदर दिखाता हूँ कि हमने हेल्पलाइन नंबर लगा रखा है ताकि किसी भी पैसेंजर को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो उस नंबर पे संपर्क कर सके। तो यही है दोस्तों कि आप लोग को अपने काम के साथ साथ ही चेंजिंग करना होगा। ट्रेन के अंदर दोस्तों छोटी मोटी हम लोग 2000 लोगों को लेके जा रहे हैं, 2000 लोगों को लेके आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों लोग कहते हैं ना कि ये जॉब बेकार है, ये जॉब करना नहीं चाहिए या कुछ भी इसमें अच्छा नहीं है, ये बेकार है। मैं दोस्तों इस जॉब को गलत नहीं मानता, आप यदि सही हो तो कोई भी जॉब आपके लिए गलत नहीं है, आपको बस सच्चे मन से जॉब के अंदर काम करना है। आपको जो भी आपको ये देखो जैसे मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे अंडर में कई सारे स्टाफ है तो मेरा क्या मन करता है मैं सबको साथ लेकर के चलूँ, एक अच्छा एक माहौल क्रिएट करूँ ताकि सभी लोगों का मन लगा रहे, तो यही मेरी आशा रहती है। और आने वाले टाइम पे क्या है कि दोस्तों मैं अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, बहुत कुछ इंक्लूड करने वाला हूँ। आपको पता ही है अभी मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने दोस्तों कुछ पोस्टर बनाए हैं जैसे कि कोच इसमें क्या है कि
कोच के अंदर कचरा ना फैलाए, कूड़ेदान का प्रयोग करें। तो ये चीजें भी मैं एक अलग माध्यम से कोच के अंदर शो करने वाला हूँ। चलती ट्रेन में दरवाजों पर खड़े होकर यात्रा ना करें। कई लोगों को आपने देखा होगा दोस्तों जो चलती ट्रेन के अंदर पैरों वैरों को लटका करके यात्रा करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए मैं एक अवेयरनेस की लाने वाला वीडियो, ताकि आजकल पता है दोस्तों हम लोग ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं, हमने कई ऐसे हादसे देखे दोस्तों जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी यदि ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो काफी सेफ से यात्रा करें, दरवाजे पे पैर लटका के या खड़े होकर के यात्रा ना करें। चलती ट्रेन में हमेशा दरवाजों को बंद कर दें। उसके बाद क्या है, रेलवे को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें, स्टेशन को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे स्टेशन पे भी कई सारे लोग कचरा वगैरह फैलाते हैं, तो उस चीजों को भी लेकर के हम ये जागरूक का ही एक पोस्टर चला रहे हैं, ताकि हम लोगों को थोड़ा बहुत अवेयर कर सके, जागरूक कर सके कि साफ सफाई बनाए रखें। तो मैं तो कुछ मकसद लेके काम कर रहा हूँ दोस्तों, और मेरे जितने भी भाई लोग जो इस लाइन के अंदर आना चाहते हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, भाई इट नॉट जॉब एज ए ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी है। तो आप लोग भी कोई मकसद के साथ ही इस लाइन के अंदर आए, आप लोग यदि कोई मकसद लेकर के आएंगे तो आपको ये जॉब नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा इस काम को करने में। तो दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो थी इसी टॉपिक को लेकर के थी कि आपको जॉब करना है कि नहीं करना है। मैं तो कर रहा हूँ दोस्तों, स्टार्टिंग में तो मेरे को भी लगा कि मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैंने अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव किया, लगा कि मुझे ट्रेन के अंदर मुझे कई सारे लोग मिल रहे हैं, जो चीजें मुझे गलत दिखी उसको मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे अब इस जॉब के अंदर बहुत मजा आ रहा है। मतलब काम का काम और मजा का मजा आ रहा है। घूमने का भी काफी मौका मिल रहा है, मुंबई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मतलब अलग अलग स्टेट में भी घूमने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि आप लोग यदि इस जॉब के अंदर आते हैं तो आप अपना विजन लेकर के आए, ये फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप कभी कोई विजन लेकर के आएंगे, आप सच्चे मन से काम करेंगे तो आपको भी जॉब के अंदर मजा आएगा। तो दोस्तों आज की मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आप यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब का जो बटन है, आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हम जैसे जो छोटे क्रिएटर है दोस्तों इसका बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग हमारे को सपोर्ट बनाए रखें, प्यार मोहब्बत बनाए रखें, ताकि हम भी आपके लिए लाइफ में, मतलब अपने लिए लाइफ के अंदर कुछ कर सके, आप लोगों के लिए वीडियो ला सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।